हम आ रखे हैं दिल्ली हार्ट में। जी हाँ, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले दिल्ली के हार्ट में हम यहाँ पे आ रखे हैं। और यहाँ बहुत बहुत खूबसूरत हथकरघा के जो सामान है, हैंडीक्राफ्ट का सामान है, और अगर आपको जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स की यहाँ पे भरमार है। तो त्योहारों के टाइम पे, जब भी फेस्टिवल का टाइम आता है, उस टाइम पे हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हमेशा मन में इतना बांध के रख देना चाहिए कि हाँ, जो भी खरीदेंगे मेक इन इंडिया खरीदेंगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे है दिल्ली हाट, क्योंकि दिल्ली हाट में है वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे अपने घर को सजाने से लेके जो भी आपका लोकल प्रोडक्ट्स है उसको यूज करने में, ताकि छोटे जो भी लघु उद्योग हैं उनको भी रोजगार मिले, उनको भी काम मिले। तो आइए ले चलते हैं आपको दिल्ली हाट के सफर पर। तो चले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिल्ली हाट में हूँ। यहाँ पूरी फेस्टिवल वाइब है और लिखा हुआ है मेरा देश मेरा हस्तशिल्प मेरा गौरव। बिल्कुल यहाँ हमें यही सब देखने को मिलेगा। शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल आइडियल जगह है, और वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए भी बिल्कुल आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने से लेकर शॉपिंग के लिए कुछ कपड़े खरीदना हो या फिर डेकोरेशन वाली कोई भी आइटम आपको घर के लिए खरीदनी हो, घर को सजाने के लिए खरीदनी हो, वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं। तो आइए हमारे साथ। अलग अलग स्टॉल्स पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे क्या स्पेशलिटी है हर एक स्टॉल की। तो आइए बात करते हैं हम, आप बताइए आपके स्टॉल की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या है। हमारी सेंटेड कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं, एंड वी हैव हैंडमेड सोप्स आल्सो। तो यही सब, अभी क्योंकि दिवाली का माहौल भी है तो सब यही पसंद कर रहे हैं। कितने लोग इधर आ रहे हैं? हमारा आज थर्ड डे है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा फुटफॉल है यहाँ पे, और 30-40 लोग रोज के कस्टमर्स हो जाते हैं। ओके, तो अभी जो मेरे पीछे आप स्टॉल देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो कितने सुंदर जूट बैग्स यहाँ पे हैं, और एथनिक ज्वेलरी और फैशन ज्वेलरीज यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। ये सारा ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पे दिखेंगी, और डिफरेंट टाइप ऑफ नेकलेसेस हो गया, ब्रेसलेट्स यहाँ पे मिलेगा आपको, जो आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो और फेस्टिवल वाइब्स को और फेस्टिव बना सकते हो। आप जिस स्टॉल में मैं आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पे सारा ब्रास की सारी मूर्तियाँ हैं, ऑक्सीडाइज मूर्तियाँ हैं, और अलग अलग आइडल्स जिसमें गणपति, लक्ष्मी और शिवा की, नटराज मूर्ति, हर तरीके की मूर्तियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं ब्रास में, ऑक्सीडाइज मूर्तियाँ हैं। गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, डेकोरेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, दिवाली की सजावट को आप दिए रख सकते हैं, खूबसूरत तरीके से दिया है, राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे है। तो आप जिस स्टॉल में मैं जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शॉल्स देखने को मिल रही हैं और खूबसूरत कढ़ाई के साथ। तो आइए जानते हैं कि इस शॉप में ऐसा क्या खास, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक कॉन्सेप्ट कश्मीर का ये आता है जिसको आरी वर्क कहा जाता है, हुक वर्क जी, हुक से इसको काम किया जाता है, और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिजाइन अलग आते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे प्योर पश्मीना हो गया, एंड दिस वन इज सेमी पश्मीना, आप दोनों को फील करके आपको लग ही जाएगा किसका पर। तो आपके पास किस किस रेंज से शॉल स्टार्ट है और कितनी रेंज तक जाती है? रेंज हमारे पास स्टार्ट तो हो जाता है लाइक 500 से, नॉर्मल स्टॉल साइज से, और एंड अप का कहेंगे तो यहाँ पे एंड है नहीं, लेकिन अभी लीस्ट मेरे स्टॉल में एंड अप जो स्टॉप है दैट्स अबाउट 5 लाख। 5 लाख का? फेस्टिवल टाइम है तो वोकल फॉर लोकल का कितना आपको लग रहा है क्रेज बढ़ा है लोगों में, लोग कितने लोग हैं जो अब ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं? लोकल फॉर वोकल तो है ही, बट साथ में इको फ्रेंडली चीज़ों का जो एक ट्रेंड चला है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं, जैसे घास है ये ऑर्गेनिक है, ये रिसाइकल्ड हो जाती है, ये नेचर में मतलब यूज करने के बाद नेचर में वापस चली जाएगी जी। तो ऐसी चीज़ों का ट्रेंड बढ़ रहा है। थोड़ा सा प्रोडक्ट्स दिखाइए अपने, कौन कौन से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं? ये एक हैट है जो कौना घास से बना हुआ है, आप इसको डाल के देखिए। बिल्कुल, इसकी फिनिशिंग और ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि वो आपको मतलब आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करती हैं, ब्यूटीफाई करती रहती हैं। मध्य प्रदेश का ये सारा प्रोडक्ट आपको स्टॉल दिखेगा, मध्य प्रदेश से, जहाँ से चंदेरी जो कि बहुत पॉपुलर है मध्य प्रदेश में, कुछ दिखाइए चंदेरी के। ये हैंड वोवन साड़ी है, चंदेरी में हैंड वोवन है।
हैंड वोवन है। इसमें हाथ का काम रहेगा, पूरा ऑल ओवर हाथ का काम रहेगा। आपके पास सारा चंदेरी है? हाँ, चंदेरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट कीजिए, जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश का यहाँ पे चंदेरी आर्ट लगाया है, लोग अगर इसको खरीदेंगे तो कितना फायदा होगा आपको? हमें बहुत फायदा है, इसमें हमारे बीवर से हम लोगों का बहुत चलता है, मतलब पूरा हैंड का काम रहता है इसमें। ये चंदेरी साड़ी है मैडम, तो कितने लोग मिलके बनाते हैं? दो लोग बैठते हैं। कितने टाइम में बनता होगा ये? 15 दिन। 15 दिन लगता है इसमें, पूरा कट होता है तो पता चलता है मशीन वर्क है। आप बताइए सर, आपके स्टॉल में क्या ऐसी खास बात है, ये किस चीज का स्टॉल है? एक्चुअली मैम, हम ना देसी गाय को, गौ माता को प्रमोट कर रहे हैं जी। और देसी गौ माता के हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे ये हवन कप है। हवन कप को आप अगर यूज करते हैं ना, तो यूज करने के बाद जो इसका ऐश बचता है, तो ऐश को भी आप अपने पॉट में डाल सकते हैं, प्लांट्स में, वो मैन्योर का काम कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे आप ये देख रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं टोटल बताइए। ये दिया बना रखे हैं, दिया भी हमारा काउडन से है ये जी। और इसका दिया का आप देखेंगे, इसको जब यूज हो जाए तो यूज के बाद आप इसको प्लांट में डाल सकते हैं, ये मैन्योर का काम करता है दिया भी। और इसमें धूप बत्ती बना रखी है हमने, इसका हवन स्टिक है इसमें। अच्छा। और इसके अंदर ये कोन्स भी हैं। अच्छा। और जैसे मोदी जी ने कहा है ना वोकल फॉर लोकल, तो अब हम यहाँ पे लोकली काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है, पूरे दिल्ली हाट में सिर्फ हमारा स्टॉल है जी। तो जितने भी लोग आ रहे हैं हम उनको समझा रहे हैं, तो वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ और समझ रहे हैं चीज को और बाय करके जा रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में लोग कितना अवेयर हुए हैं अब लोकल प्रोडक्ट्स के लिए? अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे नेचुरली अवेयर हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का जो मंत्रा पीएम ने दिया था कि वोकल फॉर लोकल प्रमोट करने के लिए, कि जितना भी ये स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज करें, लोग कितना अवेयर हुए हैं अब इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए? यू नो, आई थिंक पीपल आर बीइंग अवेयर नाउ, बिकॉज उससे पहले अवेयरनेस नहीं थी। लाइक वी न्यू एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आते थे, जो भी, पीपल वर नॉट एट ऑल अवेयर कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ के थे। बट इसके बाद आई वुड से कि इस चीज़ के बाद ऐसा भी हुआ कि क्वालिटी भी इम्प्रोवाइज हुआ है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आप बताइए मैम, दिल्ली हाट में आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है? हमने अपना हैंड एम्ब्रॉयडरी सूट्स पे जो की है उसका लगाया है। एक्चुअली हमारी मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी खुद की अपनी है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसमें हम लहंगे गाउन बनाते हैं, रनिंग फैब्रिक है, उन सब का है। वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए पीएम मोदी ने कहा था कि जितना हो सके भारत का खुद का प्रोडक्ट यूज कीजिए। हाँ जी। तो लोग कितना यूज कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं? मोस्टली वैसे सब अपना अपना ही लेके आए हैं, अपना बना हुआ ही लेके आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है, वैसे कस्टमर भी अच्छे हैं, सब खरीद रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है यहाँ पे जितने भी शिल्पकार हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो इनका एक आर्टिजन आईडी कार्ड बनता है, उसके बेस पे हम लोग इनको ये मुहैया कर पाते हैं कि आप अगर एक अच्छा आर्टिजन हैं तो आपको नेशनल अवार्ड या शिल्प गुरु या NMC नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट इससे नवाजा जा सकता है, अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, आपके कलाकृति। उसके बाद उसके बेस पे इन्हें जब मिल जाता है या नेशनल अवार्ड या फिर इस तरह के कोई भी अवार्ड, तो इन्हें देश में जितने भी मेला लगते हैं वहाँ तो जाने के लिए है ही, लेकिन इनको बाहर में भी जो भी एग्जीबिशन लगते हैं दूसरे कंट्रीज में, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ जो भी रहने खाने और उनको इवन की लैंग्वेज सपोर्ट के लिए भी हमारे लोग होते हैं। आप बताइए, वोकल फॉर लोकल जो भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि फेस्टिवल टाइम है, हमें लोकल प्रोडक्ट्स को मतलब यूज करना चाहिए, तो कितना सपोर्ट करते हो आप लोकल प्रोडक्ट्स को? मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं हमेशा ही, मुझे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पसंद है। बुलंदशहर का ये खुर्जा पॉटरी इज़ वेरी वेल नोन, इट्स वेरी यूनिक, NCR में है, तो वी आर ऑलवेज, आई ऑलवेज सपोर्ट एंड बाय लोकल स्टफ। ओके, तो आपने क्या क्या खरीदा यहाँ से अभी कुछ? अभी तो मैं आई हूँ। अच्छा। बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कप प्लेट देख रही हूँ जो मुझे लेना है। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने हमारे सामने देखा दिल्ली हाट, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले दिल्ली हाट में लोकली प्रोड्यूस सामान, वैरायटी ऑफ लोकली प्रोड्यूस सामान
गो वोकल फॉर लोकल, जो कि ये बताता है कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी सामान खरीदिए और भारत का पैसा भारत में ही आए, ये सबसे बड़ा मंत्र है। और सबसे बड़ा मंत्र हमें जो याद रखना चाहिए वो है वोकल फॉर लोकल। तो आप भी स्वदेशी सामान खरीदिए, दिवाली बिल्कुल सर पर है और जितनी ज़्यादा शॉपिंग आपको करनी है दिवाली की और वैसे भी इन जनरल जो आपको करना है, आप दिल्ली हाट आके लोकल सामान खरीद सकते हैं, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली।